बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में जो न्यू इमेजी लेटर की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा, जिसमें मर्द व खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार और इसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों अब आते हैं यहाँ वीडियो की तरफ। तो इसकी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है आपके सामने, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, तो यहाँ पे आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, फिर इसमें ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार देखेंगे। तो अगर आप मुझसे इसकी ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को इस वीडियो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे रब्ता करके इसकी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि पेड ऑनलाइन अप्लाई होगी। तो इसकी आप लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट, जो कि कॉलेज इंटरमीडिएट आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मर्द व खवातीन दोनों इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें उम्र की हद जो 20 से 40 साल है, तो इसमें तलीमी कबलियत आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट है, FA FSC या इससे मिसावी। तो इसके बाद इम्तिहानी सेंटर के औकातकार सुबह 7:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होंगे, इसमें आप लोगों को ये ड्यूटी करना होगी। उसके बाद उम्मीदवार के पास जो कि स्कूल इम्तिहानी मरकज तक पहुँचने के लिए अपनी सवारी का इंतजाम होना चाहिए। सिंगल शिफ्ट ड्यूटी के लिए आप लोगों को 1000 रुपये दिए जाएंगे और डबल शिफ्ट के लिए 2000 रुपये डेली जो कि मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद मुंतखब अफराद को पैफ की इन्वेस्टिगेशन निगरान टीम की अमले की टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और मुस्तकबिल में इनकी खिदमत हासिल की जा सकती है। उम्मीदवार किसी भी तरह की मुजुर्माना कार्रवाई में मतलूब या मलबूस ना हो। तो दोस्तों नीचे जो नोट आप जो देख सकते हैं, इसमें पैफ पार्टनर या इसके कोई रिश्तेदार पैफ स्कूल में पढ़ाने वाले उस्ताद जो कि इसमें दरखास्त देने के लिए अहल नहीं है, तो इसमें आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसका तरीकाकार भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी जो कि वेबसाइट पे आ जाना है, वेबसाइट आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप लोगों की अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो उसमें ये एडवर्टाइजमेंट देख ले, पहले से रजिस्ट्रेशन उम्मीदवार लॉग इन करके ऑनलाइन इकरारनामा जो कि जमा करवाएं अपना जस्ट, और आप लोगों ने कुछ नहीं करना। जो न्यू है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस दोस्तों इसके लिए आप लोगों के पास जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसमें आपका आईडी कार्ड, डोमिसाइल और आपकी अपनी पिक, एक CV जो कि PDF में या डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के पास होनी चाहिए, CV आपकी, और उसके बाद मैट्रिक, FA, जो भी आप लोगों के कम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन आप लोगों के पास होने चाहिए। तो इसमें जो कि साइज है वो 500 KB का जो कि इमेज साइज में होना चाहिए और जो CV है वो 1 MB की आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले आप लोगों ने क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे अप्लाइड फॉर दी पोस्ट आप लोगों के सामने आ रहा है, फिर आपने फुल नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस और उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर CNIC नंबर, फिर पासवर्ड लिखना है, उसके बाद रीटाइप पासवर्ड करना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि सिलेक्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोगों ने यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है, जो आप लोगों को क्वेश्चन याद रहे फॉरगॉट पासवर्ड के वक्त के लिए। तो उसके बाद नीचे ये आप लोग सिक्योरिटी कोड देख सकते हैं, इसको आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करके सबमिट कर देना है। तो आप लोगों के सामने एक नया पेज, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोगों ने जो कि अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और अपनी क्वालिफिकेशन, तो लिखने के बाद आप लोगों ने CV अपलोड करनी है, पिक भी और डोमिसाइल, ये तस्वीरें अपलोड करने के बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है। वहाँ पे आप लोगों के सामने एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आप लोगों ने सेव अपने पास रख लेना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कम्प्लीट। अगर कोई भी आप लोगों को मसला आ रहा है अप्लाई करने में, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। अगर मुझसे आप लोगों ने पेड ऑनलाइन अप्लाई करानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा, आप मुझसे भी इसकी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।